विगत वर्षों में कोरोना के कारण हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति एवं शिक्षकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने तथा दुर्ग विकास खंड की वार्षिक कार्ययोजना की रूपरेखा बनाने के लिए रविवार को कोलिहापुरी स्थित 36 फोर्ट में विकास खंड स्तरीय शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम किया गया। इस शिक्षा चौपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा शिक्षकों को अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। कार्यक्रम को कर मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। शिक्षा विभाग ब्लॉक एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के द्वारा शिक्षा चौपाल के नाम से एक नया आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला, बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। यहाँ रोस्टर जो बनवाए हैं प्रत्येक स्कूल का, कि पूरे साल भर स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी, हर माह में शैक्षिक में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ों का इन्होंने प्रदर्शन किया। जो मेरिटोरियस या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त, उनका सम्मान और अच्छे जो काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन शिक्षकों का सम्मान, हमारे टीचर्सगण अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का काम, ये सब आज किया। बहुत अच्छा लगा टीचर्स के बीच में आकर के। मैंने भी निवेदन किया कि सिलेबस से अलग हट के संस्कार की शिक्षा जरूर दें, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो आज कुल मिलाकर शिक्षा जगत के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, ये मेरे सौभाग्य का विषय है। नहीं, लगातार कार्यवाही चल रही है, जो भी हमारे संज्ञान में आता है हमारे अधिकारियों के, उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं।